नमस्कार, मैं वेलकम मैं संतोष शर्मा व्हाइट लोटस स्पिरिचुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपको कुछ ऐसा एहसास होता है कि आपके आसपास कोई है, मैं बात कर रहा हूं, कभी ऐसा लगता है कि कोई भूत तो नहीं या कोई प्रेत का साया तो नहीं, किसने मेरे को कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया है, इस प्रकार के यदि आपके मन में भाव आते हैं तो समझ जाइए कि कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है आपकी चारों तरफ हो सकता है कि मंडरा रही है। आप उसको कह सकते कि अंधविश्वास, देखिए अंधविश्वास इसलिए मैं नहीं कहता हूं क्योंकि मैंने बहुत लोगों को इस समस्या से ग्रसित देखा हुआ है और उनको रुद्राक्ष की सहायता से अच्छे होते हुए भी देखा हुआ है। जो हमारी ये विद्युत शरीर है, ऑरा है चारों तरफ, फिजिकल वर्ल्ड के चारों तरफ, ये ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ी हुई है और ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की शक्तियां सब विचरण कर रही है, घूम रही है, मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जीज। तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको आप नाम कुछ भी दे दें, आप कहें भूत, प्रेत, यक्ष, नाग, अनेक नाम है विभिन्न प्रकार के, पिशाच, तो कुछ भी आप नाम दें, नाम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम परेशान हैं। हमको ये देखना है कि यदि हमको ऐसा लगता है कि कहीं अचानक जैसे हम डर जाते हैं, लगता है कोई है कमरे में, कोई है, जैसे कोई चल रहा है, ये सभी होती है चीजें जब आपकी जो ऑरिक बॉडी है, ऑरा है, आपके चारों तरफ जो आभा मंडल है खुद का आपका, उसमें यदि कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है तो इस प्रकार की चीजें आपको हो सकती है। इस प्रकार की चीजें हो सकती है, न केवल दिन के टाइम आप महसूस करते हैं, रात में सो जाते हैं तब भी आपको सपने में इस प्रकार की चीजें दिखाई पड़ती है और आप भयभीत होकर उठ जाते हैं, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, परेशान रहते हैं, बाथरूम जाने से भी डरते हैं, कहीं भी अंधेरी जगह जाने से डरते हैं, आपको हदम उड़ा रहता है कि कोई कुछ कर रहा है। तो इस प्रकार के मन में जब आपको डाउट शुरू हो जाते हैं कोई कुछ कर रहा है, तो आपकी जिंदगी भय से ग्रसित हो जाता है और आप जानते हैं कि भय या फियर आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको एकदम दबा देती है और जैसे ही इम्यून सिस्टम आपका डाउन हो जाएगा तो आप विभिन्न प्रकार रोगों से ग्रस्त होना चालू हो जाएगा आपके जीवन में। तो रोगों से बचना है, स्वस्थ जीवन जीना है, खुश रहना है, निर्भीक रहना है, परिपूर्णता लेकर जिंदगी को जीना है तो आपको रुद्राक्ष का सहारा लेना पड़ेगा। कौन सा रुद्राक्ष? जैसे 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष जो कि होता है पंचमुख हनुमान के लिए। यदि आपने 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में वीडियो हमारा नहीं देखा हो तो जरूर देखें, उसमें विस्तृत विवरण दिया गया है किस प्रकार से पंचमुख हनुमान आपको इन प्रकार की चीजों से बचाते हैं। और रुद्राक्ष 14 मुखी रुद्राक्ष जो भी हनुमान कवच भी कहा जाता है, ये आपको शारीरिक शक्ति देता है, मन की शक्ति देता है और हनुमान जी का जो आश्रय लेते हैं तो कहते हैं ना कि भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसे हनुमान चालीसा में लिखित है। तो 14 मुखी रुद्राक्ष। और आपको जब वो डरे हुए सपने आते हैं तो आपको देना पड़ेगा सहारा भगवान विष्णु जी का, जो कि आपको मिलता है 10 मुखी रुद्राक्ष में, 13 मुखी रुद्राक्ष में, उसको पहनेंगे तो अब जो बुरे बुरे सपने आते हैं, रात के ख्याल आते हैं, हरदम मन में भय समाया रहता है, तो आप इससे भी निजात पाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो जीवन को संरक्षित करने के लिए, डिफिकल्टी से बाहर आने के लिए, परिपूर्णता से जीवन को जीने के लिए आप 10 मुखी, 11 मुखी और 14 मुखी का रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप हमसे संपर्क साध सकते हैं 9845124158 या 888-498-5444। ये दोनों नंबर में संपर्क साधने से आपको हम बताएंगे किस प्रकार से हम आपकी सहायता कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.santoshsharma.com, santoshsharma.com। यदि ऑनलाइन रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं www.whitelotusspirituality.com। कोई आपको दिक्कत हो तो हमको फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।